देख रहे हैं हरियाणा में आज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। तो हरियाणा में आज क्या कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली हैं इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैथल से बड़ी खबर है जहां पर ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार महिला और बच्चे की मौत बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव किया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास ये पूरी घटना है जहां पर ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी और इस हादसे में महिला और बच्चे की मौत बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी कैथल से जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव किया है। फिलहाल इस हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया गया क्योंकि लोग ट्रक पर पथराव कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हुए पानीपत से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। महिला ने ई रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया है। एजेंसी के बाहर ये प्रसव हुआ है, ये बड़ी जानकारी। प्रसव के बाद फिलहाल जच्चा बच्चा जो है वो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और वो ठीक है। तो ये बड़ी जानकारी है और इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। तो सवाल ये कि आखिर इस तरह की तस्वीरें बार बार क्यों सामने आती हैं। तो ये पानीपत से तस्वीर सामने आई जहां पर महिला ने ई रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया है। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर महिला का प्रसव हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हुए सिरसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कालावाली स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन पर पत्थर मारा, ये बड़ी जानकारी। तो पत्थर लगने से ट्रेन का ड्राइवर जो है वो घायल बताया जा रहा है और ड्राइवर के चेहरे और कान पर चोट लगी इस दौरान। हादसे के बाद करीब एक घंटे तक स्टेशन पर ट्रेन जो है खड़ी रही। ट्रेन ड्राइवर के इलाज के बाद उसे ट्रेन को जो है रवाना किया गया। तो सिरसा से ये बड़ी जानकारी जहां कालावाली स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन पर पत्थर मारा और पत्थर लगने से ट्रेन का जो ड्राइवर है वो घायल हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो चुका है और भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला आज देखने को मिलेगा। घाना की टीम से यह पहला मुकाबला होगा। शाम 6:30 बजे घाना की टीम से भारतीय टीम भिड़ेगी। तो ये बड़ी जानकारी बर्मिंघम में आपको बता दें जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला आज देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि 215 भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल के महाकुंभ में हिस्सा लिया है और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हरियाणा के 45 खिलाड़ी हैं उनसे लगातार जो है मेडल की उम्मीद की जा रही है। हालांकि सभी खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से खबर है जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे और कुछ अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो हरियाणा के विकास के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि हरियाणा के विकास के लिए तमाम ऐसे प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है जिसके बाद आगे हरियाणा के विकास को और धार मिल सकेगी। तो हरियाणा कैबिनेट की आज ये अहम बैठक है और दोपहर 3 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। तो दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे होगी। कई अहम प्रस्ताव, कई अहम
फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो हरियाणा के विकास को लेकर तमाम अहम प्रस्ताव जो हैं इस बैठक में रखे जाएंगे जिन पर मुहर लग सकती है और इसके बाद हरियाणा के विकास को और भी धार मिल सकेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं और सीधे उनका पॉलिटिकल एडिटर हैं विपिन परमार, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जिस तरह से ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव होंगे जो आज इस बैठक में पास हो सकते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें अहम प्रस्तावों पर मंजूरी देने का काम जो है वो हरियाणा मंत्रिमंडल की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। ऐसे में कुछ ऐसे प्रपोज एजेंडा थे जिन्हें डेफर किया गया था और आज उन एजेंडाज पर जो है एक बार फिर से कैबिनेट जो है वो बैठेगी, जिसमें की साइबर सिटीज और साइबर पार्क बनाने को लेकर जो पॉलिसी है उस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ आतंकी हमलों में जो शहीद होते हैं उनको, उनके परिवारों को किस तरह से अनुदान राशि है उसका एजेंडा जो है वो भी आज की कैबिनेट बैठक में जो है रिवाइज एजेंडा जो है वो रखा जाएगा। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग को लेकर कई अमेंडमेंट पॉलिसीज और विषय हैं जो एजेंडा हैं जो आज की बैठक में जो है वो रखे जाएंगे। टैक्सेस प्राप्तियों को लेकर जो है कुछ नियम जो है उनके लिए अमेंडमेंट बिल एजेंडा जो है वो आज की कैबिनेट बैठक में आएंगे। ऐसे में क्योंकि मॉनसून सेशन बुलाया गया है तो उससे पहले जो जो अमेंडमेंट की जानी है उन पर मोहर लगाने का काम जो है वो कैबिनेट की ओर से किया जाएगा ताकि उन्हें बिल के रूप में जो है वो विधानसभा के अंदर रखा जा सके। तो ऐसी परिस्थितियों में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्री जो है मौजूद रहेंगे और इन तमाम एजेंडा के साथ साथ देखना ही होगा कि टेबल्ड एजेंडा कितने आते हैं उसी समय जब कैबिनेट बैठती है, क्योंकि प्रपोज एजेंडा पहले ही तय कर लिए जाते हैं लेकिन टेबल एजेंडा कौन कौन से आते हैं, किन और मुद्दों पर जो है मुहर लगाने का काम कैबिनेट की ओर से किया जाता है। इसके साथ साथ समीक्षाएं हैं तमाम चीजों को लेकर, क्या कुछ डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और किस तरह से उसको तेजी दी जा सकती है, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो बैठक के बाद जो है तमाम चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर कौन कौन से एजेंडा पर जो है वो हरियाणा कैबिनेट की ओर से मुहर लगाई। बिल्कुल, और ऐसे में कई और जैसा कि आपने जिक्र किया कि समीक्षाएं की जाएंगी, तो प्रदेश में अगर हम बात करें तो इन दिनों क्राइम रेट को लेकर, चूंकि लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे प्रदेश में, क्या इसको लेकर भी आज उस बैठक में कोई अहम दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं, चूंकि इन दिनों प्रदेश में लगातार जो है क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से हाई लेवल बैठक जो है वो की गई। जैसे ही चीजें अगर बात करें, चाहे विधायकों की धमकी का मामला हो, मुख्यमंत्री की ओर से खुद इंटरवीन किया गया, डीजीपी समेत तमाम प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई, गृहमंत्री अनिल विज लगातार जो है वो समीक्षा करते रहते हैं। समीक्षा जरूर की जाएगी, चर्चा जरूर की जाएगी, क्या कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि गैंग कल्चर को लेकर पहले ही एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है लेकिन किस तरह से ड्रग्स और जो गैंग का एक कनेक्शन है उन चीजों को खत्म किया जा सकता है और हरियाणा के युवाओं को बरगलाने से बचाया जा सकता है, ये जो तमाम गैंग जिनका इस्तेमाल करती है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर हो सकती है। लेकिन कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडा जो मैंने डिस्कस किए, अमेंडमेंट्स बिल अमेंडमेंट एजेंडा जो है या रिवाइज एजेंडा जो है उनको लेकर जो है आज महत्वपूर्ण चर्चा जो है बैठक में की जाएगी, ताकि चाहे वो उद्यमियों को लाभ देने की बात हो, साइबर सिटीज में साइबर सिटी या पार्क की बात की जाए, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज की ये मंत्रणा होगी। और बिल्कुल ऐसे में सवाल ये भी कि विपिन, जिस तरह से जिस समय ये बैठक हो रही है, ऐसे में किसानों की राहत के लिए भी कोई जो है यहाँ पर आदेश सीएम की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि बारिश के दौरान जिस तरह से किसानों की फसलों पर नुकसान हुआ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विपिन बहुत बहुत धन्यवाद।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर संसद में भारी हंगामा मचा उनके बयान को लेकर। अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद अधीर रंजन चौधरी निशाने पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों का विरोध करार देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस पर माफी मांगने के लिए कहा और मांग की है इसको लेकर। तो लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि इस देश का गौरव है कि पीएम मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार किसी गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। वहीं संसद में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामे के बाद सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी और खुद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है अब आपको सुनाते हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझसे निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अपमान किया, इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाइएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री, यू सैंक्शन द इंसल्ट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन ड्यू टू योर मेल कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर्स हैव कंटिन्यूड टू डिमीन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो,
माफी मांगो। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कैथल में आज राज्य स्तरीय हरियाली तीज का उत्सव जो है वो देखा जाएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है अमृत फॉर्म पर, सुबह 10 बजे इसका आयोजन होगा यानी थोड़ी ही देर बाद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा शिरकत करेंगे और मंत्री विधायक समेत सांसद और नेता भी इस दौरान इस आयोजन में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी कैथल से। आपको बता दें कि हरियाली तेज को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेवाड़ी के बाल भवन में आज बिजली महोत्सव मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। डीसी अशोक कुमार गर्ग और कई अधिकारी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर इंडिया न्यूज की खास मुहिम, जरा सोचिए। ये ले 10 रुपए, रेसेस पीरियड के टाइम पर कुछ खा लेना। ठीक है माँ। माँ और मेरे लिए? अरे सुमन, तुझे कौन सा स्कूल जाना है, चल ये ले 1 रुपया। पॉकेट मनी ले बेटा, इस महीने के 100 रुपए। पापा और मेरे लिए? सुमन तू तो घर में ही रहती है, ये स्कूल जाता है। अच्छा चलो तुम ये 10 रुपए रख लो। गुल्लक लेकर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भैया के साथ कुछ खरीदने। सुमन कहाँ है? माँ मैं भी स्कूल जाऊंगी। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का रंगारंग आगाज, सिद्धू मनप्रीत ने की भारतीय दल की अगुवाई, 72 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जलवा। आज दोपहर 3 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। राष्ट्रपति पद का होना चाहिए सम्मान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, गलत शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय, संसद से सड़क तक करेंगे विरोध। पानीपत में नए विश्राम गृह का उद्घाटन करते हुए बोले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कहा विकास कार्यों की घोषणा के बाद कहा कि पुरानी सड़कों की रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि झज्जर जिले के 180 गांव और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, मार्च 2023 तक बचे हुए 54 गांव में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस 1 अगस्त को एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगी, इस शिविर में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कांग्रेस में लगातार खींचतान बढ़ रही है, इस बार हरियाणा कांग्रेस ने खुद की प्रभारी दरकिनार कर दिया है, 1 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को निमंत्रण नहीं दिया गया। भवानीखेड़ा क्षेत्र के धनाना बड़ेसरा और जताई गांव में लिंक ड्रेन ओवरफ्लो होने से किसानों की करीब 1200 एकड़ फसलें जलमग्न हुई, किसानों को खुद ही ट्रैक्टरों की सहायता से जल निकासी करनी पड़ रही। बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग में जगदीश कॉलोनी न्यू मार्केट वाली सड़क के किनारे खुले नाले में रोजाना 2 से 3 वाहन फंस जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की
अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। घामडोल टोल पर बाउंसरों के द्वारा महिला से मारपीट करने का मामला टोल पकड़ता जा रहा। विरोध में संघर्ष समिति कल पुलिस कमिश्नर गुड़गांव से मिलेगी और टोल से बाउंसरों को हटाने की मांग की जाएगी। पानीपत के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर फिर गर्भवती महिला ने ई रिक्शा में बच्चे को दिया जन्म। डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने तुरंत उन्हें भर्ती कराकर आवश्यक उपचार शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल में छापा मारकर भ्रूण लिंग जांच करने के मामले का पर्दाफाश किया है। चार के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट में मामला दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। कैथल के रेलवे स्टेशन के पास खाद से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला बच्चे की मौत। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार संचालक ने एक दंपति को मारी टक्कर। इस दौरान पत्नी की मौत हो गई है जबकि पति का अस्पताल में इलाज जारी। रोहतक में सम्मोहित महिलाओं को ठगने वाले गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। रोहतक के सुनारिया गांव में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को सम्मोहित कर लाखों रुपए के गहने ठग लिए। कुरुक्षेत्र के सिरसा मोड पर बच्चे का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी। गांव बेहोली का 10 वर्षीय बच्चा 25 जुलाई से लापता था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। कैथल में बाइक चोरी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1.5 साल के कारावास और 6,000 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई। चरखी दादरी के बस स्टैंड के सामने एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। सिरसा में पिछले काफी लंबे समय से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाश सरेआम सिरसा जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले आए सामने। 44 मरीजों की गई जान। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 607 नए मामले आए सामने। 553 मरीज हुए ठीक। राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी। लोकसभा में स्मृति ईरानी से बोली सोनिया गांधी, डोंट टॉक टू मी, बीजेपी का आरोप। सोनिया ने हमारी सांसद से धमकी भरे अंदाज में कहा लाएंगे प्रिविलेज मोशन। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, दोनों पायलट शहीद। आधा किलोमीटर तक बिखरा मलबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए जताई संवेदना।